सरकारी नौकरी की जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिशन एक्सपर्ट झासर पे। हमारे चैनल पे आपको फ्री वीडियोज़ मिलती है जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल होती है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हों। तो अगर आप यहाँ पर नए आए हैं तो इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अनदर जो एडियम्स एंड फेजेस 50 है वो इसको चर्चा करूंगा। इसमें मैं 500 प्लस जो है एडियम्स एंड फेजेस को सीजीएल और सीजीएसएल एग्ज़ाम के लिए जो मैं प्रिपेयर करवा रहा हूं, जिसके लिए मैं इस वीडियो में नेक्स्ट जो है वो 50 एडियम्स को चर्चा करूंगा, बढ़िया से डिस्कस करूंगा, आप लोगों को समझाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हर वर्ड को जो समझ ना पाए उसको रिपीट करके देखिएगा ताकि आप लोगों का काम आ सके। अब एग्ज़ाम के मात्र बहुत ही कम समय बचा हुआ है एग्ज़ाम में, तो आप लोग जो है इसको बार बार रिवाइज कर ले, क्योंकि दो जो है एडियम्स एंड फ्रेजेस आएंगे ही आएंगे 25 क्वेश्चंस में से, तो मैं चाहता हूँ कि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इसी से आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द न्यूज़ ऑफ द प्रेसिडेंट डेट स्प्रेड लाइक वर्ल्ड फायर, स्प्रेड लाइक वर्ल्ड फायर, ये फर्स्ट हमारा एडियम्स है जिसका जो मीनिंग हो जाएगा स्प्रेड लाइक वर्ल्ड फायर का, ये हो जाएगा स्प्रेड रैपिडली, मीन्स बहुत फास्ट से, बहुत तेज़ी से किसी चीज़ को फैल जाना, कोई खबर बहुत तेज़ी से फैल गई तो उसको हम एडियम्स उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, स्प्रेड लाइक अ वर्ल्ड फायर। नेक्स्ट हमारा है कि गोइंग अब्रॉड फॉर अ होलीडे वाज आउट ऑफ द क्वेश्चन, तो आउट ऑफ द क्वेश्चन इस एडियम्स का जो मतलब होता है ये कई बार आ चुका है, आउट ऑफ द क्वेश्चन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इम्पॉसिबल। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, इम्पॉसिबल। नेक्स्ट हमारा है कि एज अ बिजनेस मैन माई फादर ऑलवेज मेंशन दैट हीज ट्रांजेक्शंस कॉन्स्टिट्यूटेड एन ओपन बुक, इसका क्या मतलब होता है, एन ओपन बुक का मतलब होता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट डीलिंग, मीन्स एन ओपन बुक मीन्स खुला हुआ किताब, एक तरह से इस सेंस में समझिए कि खुला हुआ है, उसको कोई भी देख सकता है, पूरी ईमानदारी है उसमें, स्पष्ट है। नेक्स्ट हमारा है कि द प्रोजेक्ट एडवांस्ड बाई लीप एंड बॉन्ड्स, बाई लीप एंड बॉन्ड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एडियम्स है, बाई लीप्स एंड बॉन्ड्स का मतलब होता है बाई लीप एंड बॉन्ड्स का कि रैपिडली बहुत तेजी गति से, द प्रोजेक्ट एडवांस बाई लीप एंड बॉन्ड, लीप एंड बॉन्ड का मतलब होता है बहुत तेजी गति से। नेक्स्ट है हमारा कि सी इज़ टू फॉन्ड ऑफ हर ऑन वॉइस, टू फॉन्ड ऑफ हर ऑन वॉइस, इस एडियम्स का मतलब क्या होता है, टू फॉन्ड ऑफ हर ऑन वॉइस, इस एडियम्स का मतलब क्या होता है, आप लोग कोशिश कीजिए। लव सिंगिंग वेरी सेल्फिश डज नॉट लिसन प्रॉपरली टू एनी वन एल्स और वेरी टॉकेटिव, तो टू फॉन्ड ऑफ हर ऑन वॉइस मीन्स जिसको सिर्फ अपनी ही बात प्यारी हो, तो यह क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेरी टॉकेटिव, मतलब बस वो बात करते रहता है, मतलब बहुत बोलते रहता है, बस उसे अपनी ही बात पसंद है। नेक्स्ट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडियन पुलिस इज ऑन द होल हाई हैंडेड इन डीलिंग विद सिटीजन्स, हाई हैंडेड इसका मतलब क्या होगा, इस सेंटेंस को पढ़ के समझिए, इंडियन पुलिस इज ऑन द होल हाई हैंडेड इन डीलिंग विद सिटीजन, तो हाई हैंडेड का मतलब क्या होता है, तो हाई हैंडेड का मतलब होता है एडेप्ट मीन्स निपुण हो, मतलब जिसके लिए वो प्रोफिशियंट हो। नेक्स्ट जो हमारा आइडियम्स है वो है कि आई टेक एक्सेप्शन टू योर स्टेटमेंट दैट आई एम बैड टेम्पर्ड, टेक एक्सेप्शन इस एडियम्स का क्या मतलब हो जाएगा, तो टेक एक्सेप्शन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट मीन्स विरोध करना, आई टेक एक्सेप्शन, टेक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का क्या मतलब हो जाएगा ऑब्जेक्ट मीन्स विरोध करना। नेक्स्ट है कि हीज स्पीच फेल शॉर्ट ऑन द ऑडियंस, फेल शॉर्ट इस एडियम्स का क्या मतलब हो जाएगा, फेल शॉर्ट, हीज स्पीच फेल शॉर्ट ऑन द ऑडियंस, तो ये चारों ऑप्शन को देखिए, हैड नो इफेक्ट, मूव द ऑडियंस, इम्प्रेस द ऑडियंस, वॉज क्वाइट शॉर्ट, तो फेल शॉर्ट ये कुछ निगेटिव चीज़ें हमें इंडिकेट कर रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हैड नो इफेक्ट, मतलब उसकी जो भाषण थी वह जनता पे कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाई, तो इसको बोलते हैं एडियम्स इसके लिए फेल शॉर्ट मीन्स हैड नो इफेक्ट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि द ऑफिसर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द कैशियर फॉर द शॉर्टेज ऑफ कैश, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द ऑफिसर कॉल्ड फॉर मीन्स होता है, कॉल्ड फॉर का मतलब होता है बुलाना या नोटिस देना, इसका करेक्ट डिमांड करना, इस तरह की चीज़ें होती है, तो द ऑफिसर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन मीन्स डिमांड किया, उसे क्या क्या एक्सप्लेनेशन डिमांड किया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा कॉल्ड फॉर का। नेक्स्ट है वी वॉन्टेड द गिफ्ट टू बी अ सरप्राइज फॉर माई मदर बट माई सिस्टर गेव द गेम अवे, कई बार आ चुका है इसको, आप देख लें 2018 में भी आया हुआ है क्वेश्चन। गेव द गेम अवे का मतलब क्या होता है, किसी राज को खोल देना, ठीक है,
किसी राज को खोल देना होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो गिव और द सीक्रेट हो जाएगा। गिव द गेम अवे का मतलब होता है किसी राज को खोल देना। नेक्स्ट हमारा कि द एक्ट्रेस टू क्यू फ्रॉम हर ब्रदर एंड बिकम सक्सेसफुल, बिकम सक्सेसफुल। दिस एक्ट्रेस टू क्यू फ्रॉम हर ब्रदर एंड बिकम सक्सेसफुल। टू क्यू फ्रॉम इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा ए हिंट। नेक्स्ट है लेट अस हैव ए हार्ड टू हार्ड टॉक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ए हार्ड टू हार्ड टॉक, ए हार्ड टू हार्ड टॉक इसका क्या मतलब होता है? इस एडियम्स का बहुत ही आसान मतलब होता है कि फ्रैंक टॉक। हार्ड टू हार्ट मतलब दिल से दिल की बात, मतलब बहुत खुलापन है उसकी बातों में। नेक्स्ट है कि टू मिस द बस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि टू मिस द बस, इस एडियम्स का क्या मीनिंग हो जाएगा? टू मिस द बस तो नहीं हम कहते हैं कि यार तुमने तो ये अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, इसका मतलब होता है टू मिस द बस, तुमने बस छोड़ दिया, कहने का मतलब ये अपॉर्चुनिटी छोड़ देना, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एडियम्स, ये भी काफ़ी बार आ चुका है कि बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर इसका क्या मतलब हो जाएगा? बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा पर्सन ऑफ द सेम कैरेक्टर, मीन्स एक ही कैरेक्टर के आदमी को बोलते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। इसके लिए क्या एडियम्स यूज करते हैं? बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। नेक्स्ट हमारा है कि टू फाइट टूथ एंड नेल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, मीन्स उसने पूरी ताकत झोंक दी। टू फाइट टूथ एंड नेल मतलब कि नहीं बोलते हम लोग कि सर से लेके पांव तक जो है वो पूरी ताकत लगा देना, वही होता है टू मेक वेरी पॉसिबल एफर्ट, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं टू फाइट टूथ एंड नेल। नेक्स्ट हमारा है कि टू कॉल ए स्पेड ए स्पेड, टू कॉल ए स्पेड ए स्पेड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा टू बी फ्रैंक, मीन्स फ्रैंक होना। टू कॉल ए स्पेड मीन्स होता है टू बी फ्रैंक। नेक्स्ट हमारा है कि बाय पुटिंग टू एंड टू टुगेदर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा टू डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट्स। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट्स। By putting two and two together means to deduce from given facts. Next है कि to look down one's nose इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? To look down one's nose का हो जाएगा to regard with contempt, means नाक के नीचे मतलब नाक सिकुड़ लेना, इस तरह का मतलब घृणा के दृष्टि से देखना, ये होता है to look down one's nose, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D. Next हमारा है कि to shed crocodile tears means झूठा आंसू, झूठा का जो है वो दुख जताना, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टू प्रिटेंडेड ग्रीफ, ऑप्शन बी हो जाएगा मतलब दिखावा कर रहा है दुख का। नेक्स्ट है कि टू कॉल इट अ डे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू वर्क थ्रू द डे, ऑप्शन इसका जो है 120 का यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी इसका 120 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टू कंक्लूड प्रोसीडिंग। टू कॉल इट अ डे मीन्स होता है टू कंक्लूड प्रोसीडिंग, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू कंक्लूड प्रोसीडिंग। नेक्स्ट हमारा है टू पुट अप विथ इस एडियम्स का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो टू पुट अप विथ का मतलब होता है एडजस्ट करना, टू एडजस्ट होता है इसका। टू पुट अप विथ का क्या आंसर होता है? टू एडजस्ट मीन्स एडजस्ट करना। नेक्स्ट है हमारा कि टू टेक टू हार्ट इस एडियम्स का क्या मीनिंग हो सकता है? आप लोग भी सोचें। टू बी इनकरेज, टू ग्रीव ओवर, टू लाइक, टू हेट। चलिए मैं आपका आंसर बताता हूँ। 122 इसका जो आंसर होगा वो टू ग्रीव ओवर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू ग्रीव ओवर। नेक्स्ट हमारा जो एडियम्स है वो है कि यो मैन सर्विस इसका क्या मतलब होता है? बहुत अच्छा काम, एक्सलेंट जो वर्क होता है उसी को बोलते हैं यो मैन सर्विस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, एक्सलेंट वर्क। नेक्स्ट हमारा आइडियम्स है कि टू गो स्कॉट फ्री इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो टू गो स्कॉट फ्री इसका जो करेक्ट आंसर होगा टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, मतलब बिना किसी सजा के उसको रिहा कर देना, टू गो स्कॉट फ्री इसको बोला जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट। नेक्स्ट है कि टू सी रेड इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू सी रेड इसका मतलब हो जाएगा गेट एंग्री, मीन्स लाल पड़ जाना, लाल दिखना, मतलब गेट एंग्री मतलब गुस्सा हो जाना। नेक्स्ट है कि इन द नीक ऑफ टाइम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आइडियम्स, ये बहुत बार आ चुका है इन द नीक ऑफ टाइम, इसको आप जरूर याद कर लें। इन द नीक ऑफ टाइम का मतलब होता है प्रेसियसली एट द राइट टाइम, मतलब एकदम अंतिम क्षणों में, एकदम परफेक्ट टाइम में जो है वो उस प्रेसियसली एट द राइट टाइम, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि द स्टेज हैज़ बीन सेट इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द स्टेज हैज़ बीन सेट का तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द सिचुएशन इज कंड्यूसिव। द स्टेज हैज़ बीन सेट मीन्स मतलब सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से अनुकूल है, तैयार है,
कंड्यूसिव। नेक्स्ट है कि ऑन दिस साइड ऑफ द ग्रेव, ऑन दिस साइड ऑफ द ग्रेव, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑन दिस साइड ऑफ द ग्रेव, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा इन दिस वर्ल्ड, ऑन दिस साइड ऑफ द ग्रेव, इसका क्या मतलब हो जाएगा, इन दिस वर्ल्ड। नेक्स्ट है हमारा कि ए मैन हु व्हाइल प्रिटेंडिंग टू बी योर फ्रेंड सेट अ स्पाई टू वॉच योर एक्टिविटीज इज इनडीड अ स्मोक इन द ग्रास। तो यहाँ जो एडियम्स है ए स्मोक इन द ग्रास, इसका क्या मतलब हो जाएगा, तो ए स्मोक इन द ग्रास इस एडियम्स का जो करेक्ट मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा सीक्रेट एनिमी। ए स्नेक इन द ग्रास, इसका मतलब हो गया कि छुपा हुआ जो, जैसे इसका देखिए इसका जो सरल मतलब होगा कि घास में छुपा हुआ सांप, कहने का ये मतलब होता है कि एक छुपा हुआ जो आपका दुश्मन है उसको एक स्नेक इन द ग्रास, ये एडियम्स है उसको जो है इंग्लिश में डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा कि द ऑडियंस वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड थ्रू आई स्पोक ऑफ द कफ, ऑफ द कफ, इस एडियम्स का क्या मतलब हो जाएगा, तो ऑफ द कफ इस एडियम्स का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विदाउट प्रिपरेशन, ऑफ द कफ का क्या मतलब हो जाएगा विदाउट प्रिपरेशन, ऑफ द कफ। नेक्स्ट है हमारा एडियम्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि टू ईट हर वर्ड्स, आफ्टर लिसनिंग टू द स्टूडेंट्स स्टेटमेंट द टीचर हैड टू ईट हर वर्ड्स, टू ईट हर वर्ड्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू ईट हर वर्ड्स का मतलब हो जाएगा विदड्रॉ हर वर्ड्स, मीन्स उसने अपने शब्दों को वापस ले लिया, टू ईट हर वर्ड्स, उसने अपने शब्दों को वापस ले लिया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि टू लूज ग्राउंड, टू लूज ग्राउंड, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टू लूज ग्राउंड का टू बिकम लेस पॉपुलर, टू बिकम लेस पॉपुलर, टू लूज ग्राउंड का मतलब होता है कि पॉपुलरिटी कम हो जाना, कम पॉपुलर होना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू लूज ग्राउंड का। नेक्स्ट है हमारा कि टू मेक बोथ इंड्स मीट, टू मेक बोथ इंड्स मीट, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा टू लिव विद इन वंस इनकम, अपने आय में ही जितने जो उसकी जो है वो कमाई है उसी में जीवन यापन करना, टू मेक बोथ इंड्स मीट, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू मेक बोथ इंड्स मीट, टू लिव विद इन वंस इनकम। नेक्स्ट है हमारा कि टू फॉल बैक ऑन, टू फॉल बैक ऑन, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा टू सीक सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी, टू फॉल बैक ऑन का मतलब होता है टू सीक सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी, इसका डी आंसर हो जाएगा टू सीक सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी, मतलब जरूरत के बगैर भी जो है वो सपोर्ट प्राप्त करना, टू फॉल बैक ऑन। नेक्स्ट है हमारा कि टू मेक वंस ब्लड बॉयल, टू मेक वंस ब्लड बॉयल, टू मेक वंस ब्लड बॉयल, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा टू मेक समबडी फ्यूरियस, किसी को गुस्सा दिला देना, टू मेक वंस ब्लड बॉयल। नेक्स्ट है हमारा कि सी डिसाइडेड दैट सी वुड गेट दिस जॉब बाई हुक और बाई क्रूक, बाई हुक और बाई क्रूक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडियम्स है, इसको भी आप याद रखेंगे, BBI है ये, बाई हुक एंड बाई क्रूक मतलब होता है बाई एनी मीन्स, राइट और रॉन्ग, चाहे वो सही हो या गलत हो किसी भी तरीका से, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 136 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि इन अ डिबेट नो वन इज अलाउड टू सीट ऑन द फेंस, सीट ऑन द फेंस, इस एडियम्स का क्या मतलब हो जाएगा, सीट ऑन द फेंस का, तो इस सीट ऑन द फेंस का जो मतलब होता है टू अवॉइड, अवॉइड टेकिंग साइड, मीन्स किसी का साइड लेने से अवॉइड करना। इन अ डिबेट नो वन इज अलाउड टू सीट ऑन द फेंस, मीन्स टू अवॉइड टेकिंग साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने चैनल के लिंक दे रखे हैं, साथ ही साथ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप के भी लिंक दे रखे हैं। अगर आप हमारे स्टडी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उस ग्रुप से आप, उस लिंक से आप ज़रूर ग्रुप से जुड़ जाएँ, और साथ ही पेज का भी लिंक दिया हुआ है, आप उसे फॉलो कर लें, जिससे आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि द मैटर हैज़ बीन सॉर्टेड आउट, द मैटर हैज़ बीन सॉर्टेड आउट, तो सॉर्टेड आउट, सॉर्टेड आउट का क्या मतलब हो जाएगा, सॉर्टेड आउट इस एडियम्स का क्या मतलब हो जाएगा, तो सॉर्टेड आउट का जो मतलब होता है वो होता है रिजॉल्व, मीन्स उसका समाधान कर लेना, द मैटर हैज़ बीन सॉर्टेड आउट मीन्स रिजॉल्व हो गया, समाधान हो गया। नेक्स्ट है कि द सोल्जर्स कैरीड आउट द ऑर्डर्स ऑफ द जनरल वेरी इफेक्टिवली, इफेक्टिवली मीन्स है ना, कैरीड आउट, कैरीड आउट इस एडियम्स का क्या मतलब हो जाएगा, तो कैरीड आउट का जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है एग्जीक्यूटेड, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्जीक्यूटेड, कैरीड आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट हमारा जो एडियम्स है ये भी काफ़ी पॉपुलर है कि दे सेट ऑफ बाय कार ऑफ मुंबई लेट इन द इवनिंग, सेट ऑफ, सेट ऑफ ये देखने में काफ़ी छोटा है बट काफ़ी अच्छा और स्टैंडर्ड ये एडियम्स है, कई बार आ चुका है, तो सेट ऑफ का मतलब होता है 140, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा स्टार्टेड, दे सेट ऑफ बाई कार फॉर मुंबई लेट इन द इवनिंग, सेट ऑफ का मतलब होता है स्टार्टेड। नेक्स्ट हमारा वंस हिज क्राइम वॉज डिस्कवर्ड ही हैड नो ऑप्शन बट टू कम क्लीन,
टू कम क्लीन, इसका क्या मतलब हो जाएगा? तो सेंटेंस को ही पढ़िए, इसमें साफ नजर आ रहा है कि वंस हिज क्राइम वॉज डिस्कवर्ड ही हैड नो ऑप्शन बट टू कम क्लीन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, टू कन्फेस द क्राइम। एक बार अगर उसका क्राइम जो है वो खोज लिया गया या साबित हो गया तो फिर उसके पास कोई जो है पश्चाताप करने का कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। टू कन्फेस द क्राइम मीन्स टू कम क्लीन। नेक्स्ट है कि द एम्प्लॉयज वेयर केप्ट इन द डार्क अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट। केप्ट इन द डार्क, इसका इस एडियम्स का क्या मतलब हो जाएगा? केप्ट इन द डार्क इसका मतलब होता है 142 का जो आंसर हो जाएगा, वे आर नॉट इन्फॉर्म एट ऑल, उसे कोई जानकारी नहीं दी गई, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि वेन थिंग्स गो रॉन्ग एवरी वन स्टार्ट्स पासिंग द बक। पासिंग द बक इस एडियम्स का क्या मतलब हो जाएगा? कई बार आया है एग्जाम्स में कि पासिंग द बक इसका मतलब होता है ब्लेम समवन एल्स, किसी और पे आरोप लगाना। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, जब कोई चीज़ गलत होता है तो सब किसी न किसी पे ब्लेम लगाते हैं, तो हो जाएगा ब्लेम समवन एल्स। नेक्स्ट है हमारा कि टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर। टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर इसका मतलब होता है कि टू अवॉइड एक्सट्रीम पॉवर्टी, मीन्स गरीबी को दूर भगाना, अवॉइड या गरीबी को अनदेखा करना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू अवॉइड एक्सट्रीम पॉवर्टी। काफ़ी बार आ चुका है टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर, इसको आप याद रखेंगे टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू अवॉइड एक्सट्रीम पॉवर्टी या स्टारवेशन, मीन्स दरिद्री या दरिद्रता, गरीबी या दरिद्रता। नेक्स्ट है कि टू ब्रेक द आइस, इस एडियम्स का क्या मतलब हो जाएगा? तो टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है, इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह होता है सी, द कमेंस एन इंटरेक्शन, मीन्स किसी चीज़ को, किसी शांति को, जैसे अचानक कोई, जैसे बहुत लोग मौन बैठे हैं वहाँ अचानक कोई बोल पड़ता है, तो उसको इंग्लिश में इस एडियम्स का यूज किया जाता है टू ब्रेक द आइस, द कमेंस एन इंटरेक्शन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्पीक एंड स्पैन। स्पीक एंड स्पैन इस एडियम्स का क्या मतलब हो जाएगा? स्पीक एंड स्पैन का मतलब होता है नीट एंड क्लीन, मीन्स साफ सुथरा। स्पीक एंड स्पैन का क्या मतलब होता है? नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट हमारा है कि द प्रॉस एंड कॉन्स। द प्रॉस एंड कॉन्स इसका मतलब क्या हो जाएगा? द प्रॉस एंड कॉन्स इसका जो मतलब हो जाएगा इस एडियम्स का, द प्रॉस एंड कॉन्स का, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फॉर एंड अगेंस्ट। फॉर एंड अगेंस्ट, प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब होता है फॉर एंड अगेंस्ट। नेक्स्ट जो हमारा एडियम्स है कि बिल्ड कैसल्स इन द एयर। बिल्ड कैसल्स इन द एयर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्ड कैसल्स इन द एयर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बिल्ड कैसल्स इन द एयर, इसका जो करेक्ट आंसर 148 का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डे ड्रीम, मीन्स दिन में ही सपना देखना, झूठे सपना देखना, तो यह बी होता है डे ड्रीम। बिल्ड कैसल्स इन द एयर मीन्स हवा में ही महल खड़ा कर लेना। नेक्स्ट होता है कि शॉर्ट आफ्टर। शॉर्ट आफ्टर, शॉर्ट आफ्टर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो शॉर्ट आफ्टर एडियम्स का जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट मीनिंग होगा वह होगा आपका इन ग्रेट डिमांड, मीन्स शॉर्ट आफ्टर मीन्स होता है बहुत ज़्यादा डिमांड उसका। नेक्स्ट है और आज के वीडियो का ये लास्ट वर्ड्स है कि ऑल एट सी। ऑल एट सी इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑल एट सी का तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पजल्ड। क्या हो जाएगा? पजल्ड, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो एडियम्स 50 हैं वो मैं आपको अगले पार्ट में कल दे दूंगा, तब तक आप इस मैं जो पीछे जो दो और वीडियो डाल चुका हूँ और ये जो है एडियम्स एंड फ्रेज़ का तीसरा पार्ट है, इन तीनों को बार बार रिवाइज करें। इसके अलावा मैंने वन वर्ड्स के भी डाल दिए हैं और सिनोनिम्स एंटोनिम्स एंड वोकैब के भी डाल चुके हैं, तो आप वो भी देख लें अगर उस वीडियो को नहीं देखे हुए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम तक ये रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वोकैब सेक्शन इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा रोल है वोकैब सेक्शन का, क्योंकि दो जो है एडियम्स एंड फ्रेज़, दो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दो स्पेलिंग जो करेक्ट वाले आते हैं वो, तो और दो सिनोनिम्स, दो एंटोनिम्स, ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। चार चार आठ और दो दस, दस दो ना बीस, बीस नंबर हो जाएंगे आपको 50 में अगर आप इस जो है वो कैब को तैयार करके जाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए कैसा लगता है आपको वीडियो और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं।